फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, राम भगवान नहीं रामायण के पात्र थे। इस पर दिल्ली से यूडीए की प्रवक्ता मां प्रभा किरण ने दी अपनी प्रतिक्रियाएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राम भगवान नहीं थे, वह तो तुलसीदास और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के एक पात्र थे। उन्होंने कहा कि रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, इसीलिए वह रामायण को मानते हैं लेकिन राम को नहीं मानते। इस पर हमने दिल्ली से शनिवार की सुबह यूडीए की प्रवक्ता मां प्रभा किरण से हमने बात की, तो उनका क्या कहना था सुनिए आप। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी के बुरे दिन आते हैं ना, तो वो ऐसे ही काम करता है। राम को समझना कोई आसान काम नहीं है। राम में वो शक्ति है, वो ताकत है कि केवल राम का नाम लेने से ही हम जीवन में तर जाते हैं। राम की पूरी इतिहास इनका दर्शाता है, इनकी ये बात दर्शाती है कि इनको अधूरा ज्ञान है। ये उसको समझे नहीं, उन्होंने सिर्फ पढ़ा। जैसे रट्टू तोता होता है ना, सिर्फ पढ़ा, उसको आत्मसात नहीं किया। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और देश के लिए। तो ऐसे लोगों को मीडिया को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, जो दूसरे किसी भी धर्म पे इस तरह की लांछन लगाए और किसी भी आके आस्थाओं को चोट पहुंचाए। ऐसे लोगों को मीडिया से और तवज्जो न दिया जाए और ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। मैं तो यही कहूँगी।